आज हम टॉपिक स्पेसिफिक वोकैबुलरी में द आर्ट्स की बात कर रहे हैं। आर्ट तीन फॉर्म में डिवाइड किया गया है। एक फाइन और विजुअल आर्ट, यानी जो चीज दिखाई देती है, जो चीज बनाई जाती है, जैसे फोटोग्राफी हो या फिर लैंडस्केप हो, स्कल्पचर हो, लिटरेचर जो चीज लिखी जाती है, जैसे बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामा, नॉवल, पोएट्री। ऐसी परफॉर्मिंग आर्ट होता है, जैसे फिल्म, मूवी या थिएटर। ये सारा परफॉर्मिंग आर्ट्स में आता है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर के रिव्यूज लिखे हुए हैं, और जो रिव्यूज लिखे हैं उसके हिसाब से ये किसके बारे में बात की जा रही है वो यहाँ लिख देना है। मतलब इनमें से किसके बारे में बात की जा रही है। पहला पढ़ते हैं, मिमी लाटूश इज गेटिंग अ लिटिल टू ओल्ड फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। यहाँ तक तो कुछ समझ में नहीं आया। एंड एज आई वॉच हर पिरो अक्रॉस द स्टेज, ये देखिए, ये पिरोट और स्टेज से कुछ हमें पता चल रहा है कि स्टेज में पिरो परफॉर्म हो रहा है। इन अ टू 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 साइज टू स्मॉल, ने ड्रेस की बात हो रही है। शी रिमाइंडेड मी नॉट एज सो मच ऑफ अ स्वैन एज अ रादर अनगेनली क्रो। ये जो बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ड्रेस है और ये कुछ डांस की बात भी हो रही है, तो यहाँ पर ये बैले है। दिस इज बैले। सेकेंड, द सीनरी वॉज वंडरफुल। सीन की बात हो रही है। द कॉस्ट्यूम वेर मार्वलस, द कास्ट वेर इनक्रेडिबल। आई विश आई कुड से द सेम अबाउट द स्क्रिप्ट, द प्ले राइट शुड बी शॉर्ट। अब यहां पर आप सोच सकते हैं कि ये मूवी की बात हो रही है या प्ले की बात हो रही है। देखिए, दो चीज इसमें आ रही है, क्योंकि सीन बैकग्राउंड सीनरी की बात हो रही है, कपड़े पे कपड़े की बात हो रही है, कास्ट क्रू की बात हो रही है, लेकिन स्क्रिप्ट की बात हो रही है और साथ में प्ले राइट। ये प्ले इन्होंने बता दिया कि दिस इज अ प्ले, अदरवाइज ये मूवी पे जाता, यानी कि अब कंफ्यूज होता कि मूवी है कि ये है, लेकिन प्ले से क्लियर हो गया। इन हिज न्यू बुक एट ऑन अर्नेस्ट हेमिंग्वे, एक्लेम्ड राइटर माइकल मॉरिस हैज ब्रॉट द ग्रेट मैन टू लाइफ, नेवर नोबडी एल्स कुड। ये बहुत आसान है, क्योंकि इसमें क्लियरली बताया गया है कि जो राइटर है माइकल नॉरिस ने, उन्होंने अर्नेस्ट हेमिंग्वे की को चरितार्थ किया, यानी कि उनकी बात, उनकी लाइफ, उनकी बायोग्राफी लिखी है और बहुत अच्छे से लिखी है, उनको जीवित कर दिया है। तो यहां पर आपका बायोग्राफी आएगा, बायोग्राफी। ऑटो बायोग्राफी ये होता है कि मैंने अपनी लाइफ के बारे में खुद लिख दिया, तो ऑटो बायोग्राफी। मेरे लाइफ के बारे में किसी और ने लिखा तो वो बायोग्राफी हो गया। इसलिए ज्यादा ऑटोबायोग्राफियां लिखी जाती हैं, क्योंकि एक इंसान के बारे में वो जितना जानता है उतना शायद दूसरा ना लिख पाए उस तरीके से, लेकिन उसके लिए राइटिंग स्किल होनी चाहिए, जो कि इन साहब के पास है। फोर्थ है, मोर ओवर मिशेलेंजेलोस यू हैव अ राइवल। विटोरियो मैनिलेटोस मार्बल पीस। अब मार्बल पीस की बात आ गई, आप समझ में आ गया होगा कि मार्बल पे बनाया जाएगा। एम्बॉडी द ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन फॉर्म को मार्बल पे बनाया जाएगा इन अ वे दैट हैज नॉट बीन अचीव इन ओवर 500 ईयर्स। ये क्लियर पता चल रहा है कि ये स्कल्पचर की बात हो रही है, दिस इज स्कल्पचर। तो आप ये स्कल्पचर यहां से उठा लेंगे और यहां लिख देंगे। नेक्स्ट है, आई हैड टू स्टडी द पिक्चर फॉर ऑलमोस्ट 2 मिनट्स। अब पिक्चर की बात हो गई, मुझे 2 मिनट लगे उसको समझने में, और आई रियलाइज वॉट इट वॉज। मैं 2 मिनट में समझ गया कि क्या चीज है। इट वॉज नन अदर देन द क्वीन, क्वीन थी वो। आई डाउट शी वुड हैव बीन म्यूज। इस लाइन से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन फिर से हमें ये पता चल रहा है कि दिस इज, जब किसी क्वीन, किसी राजा, किसी किसी बड़े आदमी की का पिक्चर बनाया जाता है तो उसे हमें पोर्ट्रेट कहते हैं। सिक्स्थ, देर आर नो ग्रेट टेनोर्स इन ब्रिटेन, दैट इज अंटिल नाउ। अब टेनोर्स की बात हो गई, क्लियर पता चल रहा है कि कुछ इसमें ओपेरा से रिलेटेड होगा। फिर आगे और देख लेते हैं, दैट इज अंटिल नाउ। ब्रायन क्लैक्स परफॉर्मेंस, अब परफॉर्मेंस की बात भी आ गई, तो ओपेरा परफॉर्म होता है। इन ला ट्रविटा, सेंट शडर्स और मैस्पान, इतना अच्छा परफॉर्म हुआ क्या कि मजा आ गया। मतलब मेरे डाउन शडर्स डाउन माय स्पाइन, मतलब यह था कि मैं अंदर तक, मुझे झंझोर दिया इसने। व्हाट अ मैन, व्हाट अ वॉइस, व्हाट अ साइज, मैन वॉइस। इसका मतलब क्लियर बात हो गई कि यहाँ पर हमारे ओपेरा की बात हो रही है, एन ओपेरा। सेवन, हर्बर्ट वॉन अर्डिंग हैज बीन कंडक्टिंग नाउ फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स, एंड हिज फाइनल अपीयरेंस यस्टरडे वाज ग्रेटेड विद अ स्टैंडिंग ओवेशन। स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है, परफॉर्मेंस हो रहा है, म्यूजिशियन और ऑडियंस दोनों खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। इसका मतलब यह है यहाँ पर एक कॉन्सर्ट की बात हो रही है। एथ, स्टोन एंजल इज एन हिलेरियस टेल अबाउट द फॉल एंड राइज ऑफ एन ओपेरा सिंगर। ओपेरा सिंगर की बात हो गई यहाँ पर, आई पिक्ड इट अप, लेकिन ये टेल की बात हो रही है, हिलेरियस टेल, यानी कि ओपेरा सिंगर की टेल, यानी कुछ लिखित की बात हो रही है। आई पिक्ड इट अप एंड
didn't put it down until I had finished, यानी मैंने वो चीज उठाई यानी किताब उठाई और उसको तब तक पढ़ता रहा जब तक मैंने उसे खत्म नहीं किया. A fantastic book. तो क्लियर बात है कि यहां पर आप नॉवल की बात कर रहे हैं. नॉवल. डिलन थॉमस शोड रिमार्केबल एलोक्वेंस. एलोक्वेंस यानी आप बोलने में भी एलोक्वेंस होते हैं कि काफी एलोक्वेंट है ये, और लिखने में भी एलोक्वेंट होते हैं. एंड दिस लेटेस्ट कंपाइलेशन ऑफ सम ऑफ हिज फाइनेस्ट प्रोज. प्रोज यानी कि लिखित की बात हो रही है. लेखनी में इसके एलोक्वेंस है. और शोली भी बेस्ट सेलर. बेस्ट सेलर क्या किस चीज का होता है? किताबों का होता है, बुक का होता है. और कंपाइलेशन ऑफ सम ऑफ हिज फाइनेस्ट प्रोज यानी कि ये बात हो रही है कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज की. तो ये शॉर्ट स्टोरीज होगी आपके. टेंथ है ब्रुशेटास स्टडीज ऑफ डेड एनिमल्स माइट नॉट बी टू एवरी वन स्टेज बट इट इज इम्पॉसिबल टू डिनाई हिज स्किल इन रिप्रेजेंटिंग इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स लाइक दीज ऑन कैनवस. इसका मतलब ये हो गया कि डेड एनिमल की बात हो रही है, उसके इमिटेशन की बात हो रही है और आप खड़े हैं और उसको इमिटेट कर रहे हैं और उसकी स्किल को डिनाई नहीं किया जा सकता. तो इसका मतलब यहाँ पर क्लियरली बात हो रही है स्टिल लाइफ की, यानी कि आप परफॉर्म जब कर रहे हैं और उसको इमिटेट कर रहे हैं किसी चीज को बन के, आप किसी माइकल जैक्सन बन के आप खड़े हो गए, लोग आपको पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये बुद्ध खड़ा हुआ है या ये एक्चुअल में माइकल जैक्सन है या एक जीवित इंसान है जो उसको पोर्ट्रे कर रहा है. स्टिल लाइफ 11 पे आ गया. ही यूजुअली वर्क्स इन ब्लैक एंड व्हाइट इन माय ओपिनियन दैट्स द मीडियम ही शुड स्टिक टू हिज कलर शॉट. यानी ब्लैक एंड व्हाइट की बात हो रही है, उसके बाद हिज कलर शॉट कलर की बात भी हो रही है. स्टू स्टार्टिंग इन हेवीली ओवर फिल्टर, फिल्टरिंग की बात हो गई. एंड स्टॉक लाइन लाइटिंग भी आ रही है इसमें. वॉशेज आउट एनी सटिलिटी एंड मच ऑफ इट इज आउट ऑफ फोकस. फोकस फिल्टरिंग फिल्टर कलर ब्लैक एंड व्हाइट यानी क्लियरली यहां पर बात हो रही है फोटोग्राफी की. दिस इज टोटली टू फोटोग्राफी. फिर 12th में है शॉट एंटायरली ऑन लोकेशन इन ईरान. ईरान के लोकेशन में शॉट हुआ. परहैप्स द डायरेक्टर फाइनेस्ट आवर. डायरेक्टर की बात हो रही है. स्टनिंग सेटिंग यानी कि सेट्स की बात हो रही है. फाइन परफॉर्मेंस ऑफ द लीड यानी कि इसमें लीड एक्टर्स हैं एक्ट्रेसेस हैं और कास्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एक्स्ट्रा मेक्स दिस ईयर ट्रूली विजुअल फीस्ट. यानी कि हमने अभी अभी बात की कास्ट एंड क्रू की, सेट्स की, एक्टर एक्ट्रेसेस की. इसका मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फिल्म की. जिसने भी ये लिखा है वो फिल्म के बारे में बात कर रहा है. फिल्म द पेंटिंग शोज अ लॉट ऑफ रेड सर्कल्स. यानी पेंटिंग में रेड सर्कल है, ट्राइंगल है, इनसाइड स्क्वायर, फ्लोटिंग इन अ स्काई अबव अ येलो सी. एक येलो सी के ऊपर, एक पीले समुद्र के ऊपर ये सर्कल और ट्राइंगल है. और इसका टाइटल है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन मेटामॉर्फोसिस. यानी कुछ मॉडर्न आर्ट है ये. तो यहां पर इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट. एब्स्ट्रैक्ट आर्ट. 14 डॉन व्यू ऑफ लंडन टेक इन द होल ऑफ द सिटी सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ पार्लियामेंट हिल. ऑल्दो द आर्टिस्ट हैज रिमूव्ड सम ऑफ द लेस अट्रैक्टिव बिल्डिंग फ्रॉम द ग्राउंड फोरग्राउंड. यानी आपने कुछ ऐसा बनाया जिसमें आप डॉन व्यू ऑफ, डॉन ये होता है कि शाम का समय, या आप डॉन ये कह सकते हैं कि एक ऐसे समय जब दो पहर मिल रहे हो, रात या सुबह, सुबह या रात, इस तरीके से इसको डॉन कहते हैं. तो उन्होंने ऐसा बनाया और ये बिल्डिंग हटा दी, यानी कि उन्होंने लैंडस्केप बनाया. लैंडस्केप की बात हो रही है. अब सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड या एक्सरसाइज है द आर्ट्स में, इसमें कुछ बोल्ड शब्दों में दिया हुआ है और इनका यह कहना है कि या तो ये रॉन्ग है या मिसस्पेल्ड है, तो इसे आपको ठीक करना है. तो शुरुआत करते पहले से टुनाइट, मैं एक एक करके ठीक करता चलूंगा. परफॉर्म ऑफ रोमियो एंड जूलियट बिगिंस एट 7:30. इसका मतलब यह है कि परफॉर्म गलत है, परफॉर्मेंस होना चाहिए. सेकंड है कैम्फोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस हैव जस्ट रिलीज अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स वर्किंग नी वर्क. थर्ड है न्यू लिमिटेड एडिटर ऑफ द सीडी हियर वी गो बाय रॉक ग्रुप ग्लास वीजल कंटेन अ डीवीडी ऑफ देयर लेटेस्ट आवर. तो ये एडिटर नहीं है, यहां पर एडिशन आएगा. हिज लास्ट बुक रिसीव सम एक्सेलेंट रिव्यूज इन द पेपर्स. ये रिव्यूज नहीं होगा, रिव्यूज होगा, क्योंकि रिव्यू का भी मतलब होता है. रिव्यू का मतलब ये होता है कि एक टाइप का परफॉर्मेंस किसी सॉन्ग पे, डांस पे या ह्यूमर पे, तो रिव्यूज भी कुछ होता है, लेकिन यहां पर रिव्यूज आएगा. न्यूज़पेपर में रिव्यूज आते हैं. फिफ्थ टेटे मॉडर्न इज करंटली रनिंग एन एग्जिबिट ऑफ ट्रेसी एमिम्स अर्ली वर्क.
एग्जिबिट नहीं है, एग्जीबिशन आएगा इसमें, एग्जीबिशन, क्योंकि एग्जीबिशन में जो चीजें रखी होती हैं उसे हम एग्जिबिट कहते हैं। सिक्स, अ ब्रिटिश नेशनल ओपेरा सेज दैट इट इज डिलाइटेड विद द गवर्नमेंट्स प्रॉमिस ऑफ सम 500,000 ग्रांटिंग, नो ग्रांटिंग नहीं, ग्रांट आ जाते हैं। टिकट्स हैव ऑलरेडी सोल्ड आउट फॉर द फर्स्ट शोइंग ऑफ टॉम कार्टमिल्स पेंटिंग एट द नेशनल आर्ट गैली, गैली नहीं गैलरी आएगा, गैलरी, क्योंकि गैली भी कुछ होता है, गैली एक टाइप ऑफ शिप होता है, एक तरीके का शिप होता है, या किसी एरोप्लेन या शिप पे जो किचन होता है ना उसे भी गैली कहते हैं, तो ये गैलरी होगा। एट्थ में है, अर्नेस्ट हेमिंगवे वाज वन ऑफ द 20th सेंचुरीज मोस्ट फेमस नॉवेलिस्ट, नहीं इसमें हम राइटर भी लिख सकते हैं, नॉवेलिस्ट भी लिख सकते हैं, नॉवेलिस्ट। सिक्स, नाइन्थ, फ्रेंच इंप्रेशनिज्म which included Manet, Magnet and Degas had a profound influence on 19th century art. तो ये impressionism नहीं होगा, ये French inspiration, ये इसके लिए आप जो सबसे अच्छा शब्द है वो है impressionian, impressionist, 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 impressionism नहीं होगा ये। फिर यहाँ पर आएगा apparently Old Heaven Press are going to publication, no, publish होता है, publish a collection of short stories written by school children. 11, I love the film's atmosphere music, no, atmospheric music and use of visual metaphor. 12, I've always had an arty eye, no, artistic eye, मेरी एक बड़ी artistic दृष्टि है, दूरदृष्टि है, vision है, and I think I would make a good fashion photographer. 11, I hate reality shows, talent shows and similar television programs that form the bulk of today's popularity culture. No, no, popular culture. 14, Orson Welles from The Citizen Kane was made over 70 years ago but remains a cinema masterpiece. No, cinematic masterpiece. Cinematic masterpiece. André Breton is widely regarded as the founder of the surreal art movement. ये सरियलिस्ट आएगा क्योंकि इसका नाउन जो होता है वो सरियलिज्म होता है, तो सरियलिस्ट कहेंगे आप इसको। 16, द कॉलेज रन्स अ वेरिड प्रोग्राम ऑफ कल्चर एक्टिविटी, नो नो नो, ये कल्चरल हो गया, कल्चरल एक्टिविटीज विच आर ओपन टू ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पब्लिक। अब हमारे पास जो ये शब्द बन गए, कुछ यहां है और कुछ यहां है, ये शब्द बन गए, इन दोनों को यूज करके ये कहा गया है कि एक्सरसाइज 102 में जो यूज किए गए, तो ये एक रेडियो प्रोग्राम का एक्सट्रैक्ट है जो अभी यहाँ ये पढ़ने वाला हूं मैं। इसमें आपको ये शब्द लेने और उसको इंसर्ट करने हैं, इंसर्ट करने हैं तो फॉर्म भी इसकी चेंज करनी पड़ सकती है आपको। तो शुरुआत करते हैं, रेडियो प्रोग्राम शुरू हो रहा है। हेलो एंड वेलकम टू टुडेज एडिशन ऑफ व्हाट इट इज आर्ट। नाउ आई डोंट यूजुअली एंजॉय पैरीफ जीस आ गया और दोस्त पिरोके, मैं आपको बताया था पिरोके किस में आता है, ये आता है आपके बैले में, तो बैले से भरेंगे। ऑल दोस्त पिरोके एंड पास डेओस एंड डाइंग स्वांस यूजुअली सेंड मी टू स्लीप, बट लास्ट नाइट्स टू लास्ट नाइट का परफॉर्मेंस, मेरा परफॉर्मेंस आएगा, परफॉर्मेंस ऑफ स्लीपिंग ब्यूटी ऑफ नोरेवे हॉल had me on the edge of the seat. तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ कि मुझे, मैं सीट के एज पे बैठा रहा। I'm not only one. Rave, ये नेशनल प्रेस में क्या होता है, रिव्यू होता है ना, तो rave reviews in the national press praise the excellent choreography and the incredible stage. It's on again tonight, but you'll have to move fast if you want a ticket. अगर आपको ये देखना है तो आपको fast move करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा जल्दी। द करंट फोर्थ डैश ऑफ मोनेटोस पेंटिंग, अब यहाँ पेंटिंग आ गया, कुछ जरूर बात हो रही होगी एग्जीबिशन की, तो एग्जीबिशन लिखेंगे ऑफ मोनेटोस पेंटिंग एट द वेटली आर्ट। फिफ्थ में आएगा गैलरी, आर्ट गैलरी होती है। हैज बीन अ डिसअपॉइंटमेंट, द पिक्चर देमसेल्व्स आर एक्सीलेंट स्पेशली द ग्रेट आर्टिस्ट, यहाँ पर छठवें में आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आप द फिल्म स्टार है, तो सीधा आप यहाँ पर, जिसमें आपको बताया था जब बड़े बड़े आदमियों के बनाए जाते हैं पिक्चर तो उसे हम पोर्ट्रेट कहते हैं। एंड ऑफ कोर्स हिज स्टनिंग सेवंथ का आएगा स्टिल लाइफ ऑफ वेज ऑफ डैफोडिल्स, बट द लाइटिंग इनसाइड द रूम वाज टेरिबल, लाइटिंग बहुत खराब थी। आई वुड हैव थॉट दैट हैविंग रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ ऑलमोस्ट 100,000
डेफिनेटली आर्ट काउंसिल कुड हैव इन्वेस्टेड इन सम गुड लाइट. सब कुछ अच्छा था, लाइट अच्छी नहीं थी. तो जो रेडियो प्रोग्राम कर रहे हैं जो स्पीकर है उनका कहना है कि काश अच्छी लाइट होती. फैंस ऑफ द ग्रेट 20th सेंचुरी डैश जॉर्ज ऑरवेल. अब ये रिलेटेड है आपके नॉवल से, तो नॉवलिस्ट कहेंगे. नॉवलिस्ट जॉर्ज ऑरवेल विल बी डिलाइटेड टू हियर दैट स्वयंसंग प्रेस आर गोइंग टू रिलीज अ कलेक्शन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट 10 के बारे में आपका आएगा. जिसे मैं बताया था काम होता है वर्क या नॉवल, नॉवल्स भी रह सकते हैं, वर्क भी कह सकते हैं. Which will of course include Animal Farm in 1984. Also included are some rare short stories which were not Garamiya ke aayega. Garamiya aayega aapka published. Jo abhi tak published nahi hui until after his death. Look out for the book which will be in the shops from the end of the month. Fir aaya on the subject of books. Ab book ki baat ho rahi hai. A new 12 mein aap likhenge biography of the life of conductor. Charles Wasson Most is due to be released in January. Wasson Most conducted his last 13 mein aayega concert in 1998 after a long and eventful career. This is highly recommended for anyone who is remotely interested in classical music. Phir aapka do aur bache hain. Have you ever wanted to be an dash singer? Yani opera singer. Well, now's your chance. The National Music Company are looking for tenors. Tenors मतलब opera की बात हो रही है. Sopranos, ये sopranos ये भी इसी में आता है. To audition for a new production of Mozart's Marriage of Figaro. If you are interested, we'll give you the number to call at the end of the program. अगर आपको interested है, तो हम number देंगे. ये radio speaker कह रहा है. A potential Mission Delos and Henry Moores can try their hand at 15 में आ जाएगा आपका sculpture. This weekend, क्योंकि वीकेंड की बात हो रही है, म्यूजियम की बात हो रही है, और यहाँ पर the Glen Eagles Museum is holding a series of workshop which will give you the chance to chip away at a lump of stone to produce a piece of 3D art. यानी आपको स्टोन दिया जाएगा और आपको 3D आर्ट बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, सिखाया जाएगा. There is no need to book. कोई बुक करने की जरूरत नहीं है. जब सैटरडे को 9 बजे वहां पर पहुंच जाइए. Now here is that the number I promised you. इसके बाद ये नंबर देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद करते हैं. ये बात हुई आपके आर्ट्स की. होपफुली आपको थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा इससे कि आर्ट्स में क्या क्या आता है, कैसे कैसे शब्द आप यूज करते हैं. बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की.